जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एविन क्रिश्चियन कॉलेज फैमिली या ECC फैमिली में। वे सभी छात्र जो एविन क्रिश्चियन कॉलेज में सेशन 2023-24 में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, वे सभी छात्र जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल एविन क्रिश्चियन कॉलेज फैमिली या ECC फैमिली से जुड़ जाएं। जैसा कि ECC में एडमिशन्स का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे ECC के एडमिशन से संबंधित कोई भी सूचना वंचित ना हो तथा आप तक सही इन्फॉर्मेशन तथा सटीक समय में पहुंच सके। तो आज हम जानेंगे कि इविन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशंस। तो इविन क्रिश्चियन कॉलेज में यूजी के एडमिशंस बहुत ही जल्द उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले स्टार्ट हो जाएंगे, तथा बीएड एंड डीएलटी कोर्सेज के एडमिशंस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 5 अगस्त को इविन क्रिश्चियन कॉलेज कैंपस में कंडक्ट किए जा चुके हैं, जिसका रिजल्ट 12 अगस्त को आ जाएगा, तथा पीजी कोर्सेज के लिए पर्सनल इंटरव्यू 7 और 8 अगस्त को कंडक्ट कराया जा रहा है, तथा इसका भी रिजल्ट 9 अगस्त को आ जाएगा, तथा एडमिशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि इविन क्रिश्चियन कॉलेज में ECC में बीएड एंड डीएलटी के जो 2023-24 में एडमिशन्स होंगे, उनके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कट ऑफ 2022 की क्या थी, था इसके सेफ मेरिट का एनालिसिस भी करते हैं कि इसका सेफ मेरिट 2023 में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ECC में जो बीएड 2022 की लास्ट मेरिट पोजीशन क्या थी, किस मेरिट पोजीशन तक लास्ट ईयर में एडमिशन्स हुए हैं। तो आइए देखते हैं, जो इविन क्रिश्चियन कॉलेज में 2022 में बीएड के एडमिशन्स हुए हैं, उनकी लास्ट मेरिट पोजीशन अगर देखते हैं आर्ट स्ट्रीम में, तो आर्ट स्ट्रीम में जो छात्र 65 मेरिट पोजीशन के नीचे थे, वे सभी छात्र ECC में बीएड में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल थे। तथा साइंस स्ट्रीम में अगर हम देखते हैं, तो वहीं जो भी छात्र 59 मेरिट पोजीशन के नीचे थे, उनके एडमिशन्स हुए हैं। तथा कॉमर्स स्ट्रीम में देखते हैं, तो जो भी छात्र मेरिट पोजीशन 20 के नीचे थे, उनके एडमिशन्स ECC में बीएड कोर्सेज के अंतर्गत हुए हैं। अब हम जानते हैं कि ECC में जो बीएड 2023-24 में एडमिशन्स होंगे, उनके लिए सेफ मेरिट पोजीशन क्या हो सकती है, इसका आकलन हमारे द्वारा किया गया है। जब तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आती है, ऑफिशियल मेरिट पोजीशन नहीं आ जाती है, तब तक हम कुछ सही तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक आकलन है जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ECC में जो सेफ मेरिट पोजीशन है बीएड एडमिशन के लिए 2023-24 में क्या हो सकती है। तो देखेंगे आर्ट स्ट्रीम के लिए, तो आर्ट स्ट्रीम में जिन भी छात्रों की मेरिट पोजीशन 60 से कम आती है, उनके चांसेज हैं वो सेफ जोन में है। तथा साइंस स्ट्रीम में अगर देखेंगे, तो जो भी छात्र मेरिट पोजीशन 50 से नीचे हैं, उनके एडमिशन्स आसानी से हो जाने चाहिए। तथा यदि कॉमर्स स्ट्रीम में अगर देखते हैं, तो 20 से कम जो भी छात्र लेके आते हैं मेरिट पोजीशन, उनके एडमिशन्स उम्मीद है कि आराम से हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि ECC में जो DLT कोर्स था, उसमें 2022 में लास्ट कट ऑफ क्या थी, मतलब लास्ट मेरिट पोजीशन क्या थी, तथा 23 के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। तो आइए जानते हैं, तथा इसी वीडियो में हम ECC में DLT कोर्सेज के सीट्स की तथा फीस की भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ECC में जो DLT कोर्स था, उसका लास्ट ईयर 2022 में मेरिट पोजीशन क्या थी, लास्ट मेरिट पोजीशन क्या थी। तो ECC में जो DLT कोर्स के अंतर्गत 2022 में जो भी छात्र 47 मेरिट पोजीशन के नीचे थे, उन सभी के एडमिशन हुए थे। तो इसी के आधार पर हमने आकलन किया है कि जो ECC में 2023-24 में DLT की अगर सेफ मेरिट पोजीशन देखी जाए, मतलब जो भी छात्र 45 रैंक या मेरिट पोजीशन के नीचे होंगे, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। उम्मीद है कि उन सभी के एडमिशन 2023-24 में ECC में DLT कोर्सेज में आसानी से हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि DLT की सीट्स कितनी है DLT कोर्सेज में। तो DLT कोर्सेज में सीट्स की संख्या 42 है, तथा इसका फीस है 20,000 पर एनम, जो कि एडमिशंस के टाइम पेमेंट होगी।
जैसे ही आप एडमिशंस लेंगे 20,000 पर एनम आपको देनी पड़ेगी। बहुत ही जल्द ECC के लिए एडमिशंस पोर्टल खुलने वाला है। जैसे ही आप सभी के रिजल्ट्स आ जाएंगे वैसे ही एडमिशंस की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग का क्या स्टेप होगा, कैसे क्या होगा, उसकी वीडियोज हम आपको देते रहेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। हमारा पेज इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है तथा टेलीग्राम में हमारा चैनल है तथा यूट्यूब में भी अवेलेबल है। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल से जल्द जुड़ जाएं ताकि आप किसी भी प्रकार की एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सूचना से वंचित ना रह सके तथा आपका एडमिशन किसी भी तरह से रुके नहीं, सूचना के अभाव में किसी भी प्रकार से आपका एडमिशन रुके नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।